11 बज चुके हैं और अभी हमने रास्ते में स्टॉप लिया है। ये है शोक वॉर मेमोरियल। जैसे अगर आप लेह से जाएंगे तो वॉर म्यूज़ियम है, ऐसे ही ये है शोक वॉर मेमोरियल। और ये पड़ता है हमारा, अगर मैं हुंदर से आगे आ जाऊँगा, थोइस से भी आगे, तो थोइस अभी मेरे ख्याल से यहाँ से हुंदर से आगे 15 किलोमीटर थोइस है, और थोइस से आगे ये पड़ेगा शायद 40-45 किलोमीटर, और फिर आगे बोगदंग आ जाएगा। ठीक है, हम आए हैं बोगदंग से, तो मैं अगर वापसी में हूँ मैं तो अब दिखाता हूँ मैं यहाँ से आपको। ये हमारा शोक वॉर मेमोरियल है। ये देखिए आप ज़रा, हमारे सियाचिन जो वॉरियर्स हैं वो वहाँ पर कैसे सरवाइव करते हैं ग्लेशियर्स में, वो यहाँ पर कुछ उसकी एक झलक है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं शोक वॉर मेमोरियल। ये यहाँ पर वॉर मेमोरियल, एक कैफ़े भी है यहाँ पर, रिवर साइड कैफ़े, और ये एक लेआउट दे रखा है। हम अभी हैं यहाँ, और यहाँ पर स्नो स्कूटर, वॉर मेमोरियल, माउंटेन ट्रेल, फिर ये सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ, एक शोक रिवर व्यू पॉइंट है। ये यहाँ पर होम ऑफ सियाचिन बंकर्स, और चलिए देखते हैं एक बार चल के कैसा है। हेलीपैड भी है यहाँ पर। शोक वॉर मेमोरियल शोक रिवर के ऊपर है। चलिए, ये है जो म्यूज़ियम है, ये सियाचिन वॉरियर्स का होम। व्यूज चेक करें जी ज़रा, बहुत खूबसूरत। ये डिफरेंट पहाड़ है, वो डिफरेंट टाइप का पहाड़ है, और वो बीच में एक छोटी सी ग्रीन बेल्ट है, छोटी सी ग्रीन बेल्ट। आप बैठिए ऊपर आराम से सर। ये है जी स्नो स्कूटर। ठीक है, एक होता है जैसे नुब्रा वैली में ATV राइड करते हैं ना, इस तरह का ये स्नो स्कूटर है। मैडम अमृता, ये है स्नो स्कूटर। ठीक है, बर्फ में करते हैं इसमें राइड, भयंकर वाली। बैठे तेरी फोटो खींच देता स्नो स्कूटर में, सियाचिन में करते हैं इससे एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो अभी हमने देखा सियाचिन या ग्लेशियर्स में ड्यूटी करने वाले जो हमारे जवान हैं वो किस तरह से रहते हैं, किस तरह से उनके कपड़े हैं। 5-5 kg, मतलब भाई 5 kg का तो बूट का पेयर है। जैसे कमरों में जैसे बाय टॉयलेट्स हैं उनके, बुखारी यूज़ करते हैं सिर्फ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए, क्योंकि प्लास्टिक के जो वो होते हैं उनके रूम्स होते हैं। तो बहुत टफ लाइफ। 3 महीने एक फौजी जो है ना, एक फौजी भाई से बात हुई, 80 kg के थे, और जब वो 3 महीने के बाद ड्यूटी करके आए तो 50-52 kg के हो गए, तो वेट कितना टूट गया, प्लस स्किन डिजीज़, बहुत सी चीज़ें भाई। ये है जी हमारे सियाचिन वॉरियर्स, इन द मेमोरी ऑफ ब्रेव हार्ट्स, उन शहीदों के नाम हमारे जिन्होंने हमारी रक्षा करते हुए जो है देश के लिए अपने प्राण त्यागे। जय हिंद, जय भारत। तो शोक वॉर मेमोरियल के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप क्या रहेगा हमें भी नहीं पता, क्योंकि हमारा लास्ट डेस्टिनेशन पेंगोंग है आज का, और अभी बज रहे हैं 11:15, और पेंगोंग तक जाने जाने में हमें पता नहीं कितना टाइम लगा, क्योंकि रास्ते में व्यूज जो है हमें रोक लेते हैं, और फिर 5 मिनट हमें बाइक से डिसमेंटल होने में, फिर जुड़ने में लग जाते हैं। ग्लव्स निकालो, मास्क हटाओ, हेलमेट उतारो, और मतलब पहले बाइक पार्क करो, फिर उसके बाद यानी गेयर्स उतारो, हर चीज़ में बहुत टाइम लग जाता है। तो 10 मिनट हमारे उस चीज़ में ख़राब हो जाते हैं ना, तो हम चाह रहे हैं कि कम से कम हमारा टाइम ख़राब हो और जल्दी जल्दी हम ज़्यादा से ज़्यादा पेंगोंग तक रीच कर सकें। चले मैडम जी, जय हिंद। कल यहाँ एक गाड़ी फंस गई थी शाम को जब हम आए थे,
और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत ही रिस्की सा लगता है।